फीमेल्स कैसे सेटिस्फाई होती है? जी हाँ, फीमेल्स को संतुष्ट करने का तरीका क्या है, कैसे वो सेटिस्फाई होती है, इस बारे में काफी लोगों को जानना है। तो #BB यानी कि बोल्ड एंड ब्यूटी की तरफ से मैं बताती हूँ कि आज आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं कि क्यों और कैसे उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। संभोग यानी कि जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में सेक्स कहते हैं, इंटीमेशन के दौरान, फिजिकल होने के दौरान लड़कियों को क्या क्या चाहिए होता है जिसके बाद वो सेटिस्फाई होती है। कोई भी फीमेल चाहे किसी भी उम्र वर्ग की हो, किसी भी एज ग्रुप की हो, उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं को जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं उनके मेल पार्टनर, तब जाके उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि आखिर वो भी एक ह्यूमन है और उन्हें भी बहुत तरह की डिजायर होती है। लड़कियों में कमी यह है कि कभी वो अपने मेल पार्टनर से खुलकर कह नहीं पाती, जिस वजह से उनके मेल पार्टनर को पता ही नहीं चलता कि आखिर इन्हें क्या पसंद है और क्या ना पसंद है इंटीमेशन के मामले में, यानी कि फिजिकल होने के मामले में। फीमेल्स को, लड़कियों को, महिलाओं को लव केयर चाहिए। जी हाँ, सॉफ्ट टच यानी लव केयर का टच। आप उसे किस इंटेंशन से छू रहे हो, किस तरह से उसे टच कर रहे हैं, आप उसके बारे में कैसे फीलिंग रखते हैं, क्योंकि सेक्सुअली सेटिस्फाई करने के लिए 3 स्टेप काफी जरूरी है। सेक्स इज नॉट ओनली इंटीमेशन, सिर्फ शारीरिक संबंध बना लेने से, इंटीमेशन कर लेने से, इंटरकोर्स कर लेने से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। सबसे पहले फोर प्ले। जी हाँ, 3 स्टेप में सारी चीजें कंप्लीट होती है। फोर प्ले देन सेक्सुअल एक्टिविटी एंड फाइनल है आउटप्ले। ये क्या होता है? फोर प्ले सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी यानी मेल और फीमेल दोनों को सेटिस्फेक्शन के लिए। इससे ना सिर्फ फीमेल्स को सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेल भी उतने ही सेटिस्फाई होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप फोर प्ले किसी भी तरीके से कर सकते हो। फोर प्ले की एक्टिविटीज सारे लोगों को पता होती है, यानी किसी भी तरीके से उन्हें टच करना, उनके सेंसिबल पार्ट्स को टच करना, जिससे वो सेंसेशन उन्हें मिलती है या फिर उन्हें खुशी मिलती है। तो ये फोर प्ले एक्टिविटीज होती है। आप उनसे लव टॉक्स करो, उससे भी वो काफ़ी खुश होंगे। और ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आगे का प्रोसेस आप कर सकते हो। लड़कियों को तारीफें पसंद है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, जैसे कि कुछ समय के बाद, जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ते हैं, लोग उनकी बॉडी की यानी फिर उनके चीज़ों की तारीफ करना बंद कर देते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है, बहुत सारी चीज़ें। तो तारीफें सबको पसंद होती है, लव और केयर। जब भी आप इंटीमेट हो तब भी रोमांस से भर के हो और रोमांटिक बातें करें, ये सारी चीज़ों से कोई भी फीमेल सेटिस्फाई हो जाती है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच।